हेलो, राम राम जी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है, समर जा चुका है स्कूल, और समर जुड़ू उठ के चला गया है नीचे। उसके बाद मैंने लगा दिया है वो वाला बेड भी, ये वाला बेड भी, और बच्चों के ये खेल खिलौने पड़े हुए हैं। अब बस हेल्पर आ जाएगी तो वो भी कुछ करेगी। और दिखा देती हूँ मैंने क्या बनाया है आपको, दिखाते हुए एक बारी भागम भाग में ब्लॉग स्टार्ट कर लिया मैंने। चलो दिखा देती हूँ। क्या होती है ना उसकी सब्जी, ये देखो एकदम भाप निकल रही है। इनके लिए मम्मी ने तो खिचड़ी बनाई है, आटा लगा के रख दिया है हस्बैंड के लिए और मम्मी के लिए। और डुड्डू एक खाएगा, बस एक भी पूरी नहीं खाएगा। वो तो पापा चले गए, पापा खिचड़ी, पापा को इन्फेक्शन है, पापा खिचड़ी लेके गए, मम्मी ने खिचड़ी बना दी थी। समर्थ भी बोला मैं भी खिचड़ी लेके जाऊँगा, तो समर्थ भी खिचड़ी और दही ले गया, और मैंने फिर घिया की सब्जी और आटा लगा के रख दिया है। सुबह सुबह ये चले गए हैं जिम अपना, सुबह कम जाते हैं। और अब बस ये वाला बेड बचता है, जल्दी से इस बेड को कर लेती हूँ सेट, चादर को झाड़ के बिछा देती हूँ। क्योंकि ये मौसम ऐसा हो रखा है ना कि बाहर वाले बेड पे भी ज़्यादा कूदम काद रहती है बच्चों की। जब ज़्यादा गर्मी होती है तो भी सब बाहर नहीं बैठते, ज़्यादा सर्दी होती है तो भी फिर बाहर नहीं बैठते, अंदर रूम में होते। लेकिन ये बीच का मौसम है तो फिर सब इंजॉय करते हैं। तो चलो एक बार इस वाले बेड को भी कर लेते हैं। ओके, कुछ कपड़े धुल के सुखा भी दिए गए हैं सुबह सुबह। देखो तो देखो, और बस सब्जी बन गई, रोटी आएंगे तब गरम गरम बनाऊंगी। अभी देखती हूँ, चाय पीती हूँ, फिर जोत भी करनी है क्योंकि फास्ट है। और हम ना पहले जैसे फास्ट, पहले दिन वाला फास्ट, सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं। पहला फास्ट होता है उस दिन तो चाय नहीं पीते हैं, लेकिन हाँ 9 दिन फिर जैसे जोत लगती रहती है तो सुबह सुबह खाली पेट नहीं रहते हैं, चाय पी लेते हैं। मतलब खाते नहीं हैं कुछ भी, बट हाँ चाय पी लेते हैं, एक चाय, और उसके बाद फिर आराम से नहा धो के जोत बत्ती करके फिर चाय पीते हैं। तो वो भी वहाँ पे भी कपड़े तय बन के रखे हुए हैं, बट उसमें से ना शर्ट धुलेगी। अच्छा, बैग रखा हुआ है ब्लैक कलर का बैग, उसके ऊपर 2-3 ही कपड़े हैं, मीनू ने तय बना के रख दिए थे। और मशीन अभी भी लगी हुई है अंदर, तो सुबह सुबह बेड लगा दिए। और वैसे तो ख़राब होने ही हैं बच्चे उदमस उतार देंगे, लेकिन सुबह सुबह हाउसवाइफ का होना चाहिए कि सुबह सुबह अगर जीवन में खुशियां चाहिए तो मैंने भी ये चीज़ें देखी कि एक तो सुबह सुबह आपका बेड लग जाना चाहिए चादर वदर झाड़ के, दूसरा घर में आपकी झाड़ू जो होती है वो दिखनी नहीं चाहिए। जहाँ पे आप पैसे रखते हैं वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, मतलब आसपास दिखे ना, मतलब झाड़ू को बिल्कुल अलग ही रखें। तीसरा, बाथरूम साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसके साथ कुंडी लगा के रखनी चाहिए, मतलब बंद होना चाहिए बाथरूम, कभी भी खुला नहीं होना चाहिए। तो कुछ ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हाउसवाइफ को ध्यान में रखनी होती हैं। जब चप्पल जूते बिखरे ना हो, मेरे घर में बहुत बिखरे रहते हैं, मेरे बच्चे सबके चप्पल जूते पहन पहन के इधर के उधर, उधर के इधर, पूरे घर में ना सामान कम मिलेगा, चप्पल जूते ज़्यादा, लेकिन फिर भी करना तो पड़ता है। बच्चे हैं, बच्चे तो अपनी मस्ती करेंगे, लेकिन हमें भी ध्यान रखना होता है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी हाउसवाइफ अगर ध्यान रखे तो जीवन में हमेशा खुशियाँ रहेंगी। और गृहिणी हैं हम,
हाउसवाइफ जब हमें बोला गया है तो घर ही सारा सब कुछ है, उसे ही हमें संभालना होगा, है ना। वैसे मैं एक सवाल मेरी तरफ से भी सकते कपड़े इतने फैले होते हैं घर में, लेकिन जब पहनते तो उस टाइम कपड़े क्यों नहीं होते? हाँ, ये तो मैं भी कई बार बोल चुकी हूँ कि कपड़े जब धुलते हैं और तय बनाने होते हैं, ऐसे प्रेस करने होते, जब इतने सारे कपड़े देते लेकिन पहनते जब हमारे पास कपड़े नहीं होते एक भी, तो चलो ठीक है। जवाब कमेंट करके बताएं, आपके साथ भी ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है। तो चलो अब लोग बहुत बड़ा नहीं बनाऊंगी, है ना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।